फॉर्मेशन है और संभावना है कि इस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर देगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। ठीक, अब लगातार चूंकि इंतजार किया जा रहा है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम को 6 बजे ये लिस्ट जारी हो सकती है। बड़े ऐसे कई सारे बड़े नाम हैं जो इस लिस्ट में, इस सूची में मौजूद रहेंगे, जैसे सिंधिया का नाम है, शिवराज सिंह चौहान का नाम है, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। तो ये वो बड़े नाम हैं जो इस लिस्ट में हमें नजर आएंगे। हालांकि अभी लिस्ट आना बाकी है, पर यह भी कहा जा रहा है कि ऐसे कई सारे बड़े सांसद हैं जिनके टिकट कटेंगे, जिन्हें फिर से अभी मौका नहीं मिलेगा, पर कुछ ऐसे भी दिग्गज हैं जिन्हें पर फिर से भरोसा जताया जाएगा और उन्हें मैदान में उतारा जाएगा। और इस बार कहीं ना कहीं फोकस बीजेपी का महिलाओं पर भी है, नए चेहरों पर भी है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी किस तरह का फैसला जो है लेती है। अब इंतजार सिर्फ शाम तक का करना होगा, जब ये लिस्ट जारी होगी सब कुछ क्लियर हो जाएगा आखिर कौन कौन से नाम इसमें शामिल हैं। दो दिन से इंतजार किया जा रहा है सीसी की बैठक के बाद से ही। तो ऐसी संभावना है कि शाम तक जो है लिस्ट जारी हो जाएगी। सहयोग की भी जानकारी दे रहे थे कि सूत्रों के हवाले से यही जानकारी है कि शाम 6 बजे लिस्ट जारी कर दी जाएगी। नामों पर मुहर लग चुकी है सीईसी की बैठक में, लंबा मंथन चला था। रात को 3:30 बजे तक ये लंबी बैठक चली थी जिसमें लगातार मंथन होता रहा और उसके बाद भी 1.5 दिन बीत गया, इंतजार करना पड़ा, पर अभी तक लिस्ट नहीं आई है। शायद वहां पर भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी होगी और कई सारे नामों को लेकर लगातार मंथन हो रहा होगा। अब मंथन शायद हो चुका होगा, इसलिए यही अब सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि शाम 6 बजे तक पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। तो कुछ ही देर का और समय है, कुछ देर और इंतजार करना होगा, बीजेपी की लिस्ट जारी हो जाएगी। लगभग 1 से 1.5 घंटा और इंतजार करना होगा, बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर देगी। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि एमपी के साथ साथ बीजेपी के भी जो है लिस्ट जारी होगी। आज ही ये बड़ी जानकारी बीजेपी के द्वारा दी गई थी कि दूसरी और महत्वपूर्ण जो सीईसी की बैठक है वो अब 6 मार्च को होगी। जो बचे हुए राज्य हैं, बचे हुए सीटें हैं, उन पर भी तय जो है बीजेपी कर रही है, मंथन कर रही है और 6 तारीख को फिर से बैठक होगी, उसमें भी नामों पर मुहर लगेगी। ज्यादा जानकारी के लिए अशरफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, कितनी पक्की खबर कि शाम को 6 बजे तक लिस्ट जारी हो जाएगी, क्योंकि 2 दिन से लंबा इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल अपर्णा, देखिए कल का दिन भी ऐसे ही गुजर गया और आज भी उम्मीद थी कि लिस्ट जारी की जाएगी लेकिन अभी तक नहीं हुई। लेकिन अब जो कुछ राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि करीब 6 बजे के आसपास भाजपा अपनी पहली सूची जारी कर दे और इस सूची में तमाम बड़े जो चेहरे हैं उनका नाम होगा। बड़े चेहरों का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री का नाम होगा, गृह मंत्री अमित शाह की सीट का नाम होगा, गांधीनगर से अमित शाह होंगे, लखनऊ से राजनाथ सिंह होंगे। तो इस तरह की जो मजबूत सीटें हैं और इसी के बिल्कुल उलट जहां पे भाजपा बहुत कमजोर रही है, जो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गई थी, उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। लेकिन अभी सिर्फ ये एक उम्मीद है कि शायद अब से 2 घंटे बाद बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर दे और तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन चेहरा उनका किस सीट से होगा, क्योंकि जिस चेहरे को जिसको वो मैदान में उतारेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे प्रधानमंत्री का तो बहुत साफ है कि वाराणसी से उतारेंगे, लेकिन हम अगर बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में भोपाल से कौन होगा, विदिशा से कौन होगा, जबकि कयास लगाए जा रहे हैं कि विदिशा से शिवराज सिंह